हॉर्न बजा के चल, हॉर्न बजा के। चलो 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 चलो। अरे अरे मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम रायपुर। सो आज की राइड हम लोग की स्टार्ट हो रही है रायपुर से टू नागपुर। और अभी सुबह सुबह यहाँ पे छत्तीसगढ़ के राइडर्स आ जाओ भाई, छत्तीसगढ़ के राइडर्स आए हुए हैं वेलकम करने। संडे का दिन है आज, मुझे भी अभी पता चला तो इन लोगों की भी एक राइड हो गई यहाँ पे। मैं तो बोल रहा हूँ चलो नागपुर हम लोगों के साथ मज़ा आएगा, बट कुछ और प्लान। भैया को हम लोग अभी कुम्हारी तक छोड़ देंगे क्योंकि हमारा लंबा प्लान तो अभी नहीं है राइड का। कितना दूर है कुम्हारी यहाँ से? कुम्हारी यहाँ से 7-8 किलोमीटर होगा। 7-8 किलोमीटर, कोई नहीं, उतना ही राइड हो गया बहुत। उस अगली बार ज़्यादा राइड करने के लिए अगली बार फिर नेक्स्ट टाइम अगर प्लान करेंगे तो हम सीधा नागपुर तक ही जाएंगे। मैं आऊँगा तुम लोग को ही कॉल करूँगा, सब साथ में राइड करेंगे। सो आज ही राइड स्टार्ट करते हैं। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, सभी को मेरा नमस्कार। एंड लाइनअप सारा यहाँ पे हो चुका है, एवरीवन इज़ रेडी। और अब यहाँ से बस निकलने की तैयारी है। ब्रेकफास्ट हो गया, सामान लोड हो गया, सब कुछ हो चुका है। और आज का दिन भी बहुत सही होने वाला है। लगभग हम लोग का 330 किलोमीटर्स की राइड है, विच विल टेक अराउंड 5.5 आवर्स। तो अरे ये रहा नागपुर का लड़का हमारा, अरे मुँह के छुपा लिया। अच्छा बता भाई क्या क्या करवा रहा है नागपुर में? नागपुर में तो ग्रैंड वेलकम होगा भाई, ग्रैंड वेलकम। बस बोल दिया मंथन ने, ग्रैंड वेलकम होगा। वो देखने के लिए बन रहा वीडियो में। लेट्स स्टार्ट आवर राइड। चलो जय माता दी, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज राइड। ओके बाय। ये देखो यहाँ पे फ्लाईओवर के बीच में कितना सुंदर बना रखा है, मशरूम लाइट्स एंड नीचे पूरा ग्रीन पौधे पेड़। तो मस्त लग रहा है यार, सिटी एक नंबर है रायपुर तो, बड़ा मज़ा आया। कल रात में हम लोग इस तरफ आए थे एम से इधर, तो सारी चीज़ें अवेलेबल। कैपिटल है ऑब्वियसली छत्तीसगढ़ का, 36 स्टेट्स, 36 राजा। कौन सा जगह बताए, कौन सा जगह? भिलाई। अच्छा ये क्या स्टील प्लांट है? स्टील प्लांट किसका है? टाटा का? टाटा का नहीं, उसका है, रूस का है ना, रूस वाले का। अच्छा लोहा इस्पात कारखाना तो बोलते थे ना। हाँ हाँ अच्छा। आपका ड्यूटी कब से लगा हुआ है यहाँ पे? 7 बजे से 2 बजे तक। 7 से? अच्छा, इन्फॉर्मेशन इसका राइड का कब मिला कि लोग आने वाले हैं? 7 बजे ही? तब से खड़े हो आप यहाँ पे। थैंक यू थैंक यू, इतनी देर से खड़े हो आप हमारे लिए। हम लोग तो लोकेशन पता चलता तो हम लोग क्रॉस करवा देते। अच्छा, सुरक्षा में यहाँ से अपना एरिया से अपन लोग। हाँ, ठीक है। आगे के लिए पैरेटिंग लगा हुआ है। हाँ, पूरा लगा हुआ। आप कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली से हूँ, लेकिन फिर हम लोग चले। उससे नहीं होगा, रस्सी है अपने पास। सेंसर का प्रॉब्लम, धक्का मार देता है। हाँ वो थोड़ी दूर तक था, गाड़ी चालू हो जाएगी। धक्का मारने चालू हो जाएगी? हाँ, तो फिर कर लेते हैं ना। नहीं, धक्का मारेगा चालू। शोरूम का है। बाइक में आ गई है प्रॉब्लम, स्टार्ट नहीं हो रही है। कोई नहीं भाई, कोई नहीं। क्या एवरेज कितना देता है ये? 30-32 का। हाँ हाईवे पे थोड़ा ज़्यादा देता है। हाईवे थोड़ा स्पीड लगता है इसका। सेकंड गियर में चलो चलो चलो। अरे ऑटो आ गया। हॉर्न बजा के चल, हॉर्न बजा के। चलो 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 चलो। अरे चलो मारो धक्का। जान दे। हो गई। कुछ इशू आ रहा है बाइक में। हाँ क्या हुआ, क्या दिक्कत है? बोले कि वो बजाज में से एक निकालना पड़ेगा। बोले बजाज निकालो। भाई हाँ वो 2 मिनट गाना मत बजाओ ना। क्यों? वो देरी ले रहा है वहाँ। ले रहा हूँ मैं। ले ले यार, हम लोगों की मुखालत है। तो आजम भाई की बाइक ठीक नहीं हो रही, फ्यूल पम्प इनका अवेलेबल ही नहीं है यहाँ पे। फ्यूल पम्प का बीच का जो होता है ना वो ऐसे ऐसे हो गया है, उसमें फ्यूल नहीं जा रहा है। ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो इसके पीछे ऐसे ऐसे जाएगा, नहीं हो पा रहा है। तो अब क्या करना है? आपके पास अगर कोई सॉल्यूशन है तो बता। है ना सॉल्यूशन, अभी बैकअप ट्रक मंगवाया तो आ रहा है। अच्छा आप ये इसको उसमें चढ़ा देंगे, चढ़ाएंगे और ये गाड़ी उड़ेगी उड़ेगी। तो फिर उसके बाद सब लोग निकलेंगे। ये गोल्डी भाई को बोल रहा है क्या क्या किससे? वो शोरूम वाले से आप बात तो करो, वही तो मैं बोल रहा हूँ। भेज दिया है, भेज दिया है। सो यही मान लेने प्रॉब्लम ठीक तो नहीं हुई, फ्यूल पंप नहीं मिला, बट उन्होंने स्टार्ट कर दी बाइक और अब धीरे धीरे लेके जा रहे हैं, क्योंकि बैकअप ट्रक अभी भी 35 किलोमीटर आगे हमसे, तो उसको वहीं पर रोक दिया है। एंड देखो क्या होता है, चल तो रही है अभी बाइक। सो ये है एक दिक्कत कि भाई बाइक में कुछ हो जाए। और आज एक सेम बाइक है कपिल की, सेम बाइक सेम कलर, और उसमें भी यही सेम प्रॉब्लम है फ्यूल पम्प की। तो हमें 2 फ्यूल पम्प चाहिए अभी इस टाइम पर। तो मिल गए हम लोग अपने ग्रुप से एंड ये जा रहा है पूरा कॉन्वॉय। लेट्स गो। ये लोग बीच में रुके थे, हम लोगों ने भी स्पीड थोड़ी ज़्यादा रखी थी आज, क्योंकि बीच में बहुत देर के लिए रुक गए थे। तो यहाँ पर भी एक इवेंट, मतलब इवेंट नहीं, वेलकम। हम लोग आ गए शायद रायपुर, ओह नागपुर आ गए, एंटर हो गए महाराष्ट्र, एंटर हो गए हम लोग। खाना खाते हुए तो महाराष्ट्र। अच्छा सो नाउ वेलकम टू महाराष्ट्र। यहाँ से नागपुर लगभग 85-90 किलोमीटर बचा अभी, और सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। वैन वैन गंगा, ठीक है वैन गंगा। क्या जबरदस्त नज़ारा है। वहाँ पे छोड़, मतलब बिल्कुल पानी के ऊपर ही ब्रिज है, डैम जैसा लग रहा है बिल्कुल, वहाँ भी लोग क्रॉस कर रहे हैं। एकदम ग्रीन पानी है, ग्रीन। नागपुर के थोड़ा आसपास ही आ गए हैं, और यहाँ पर भी एक ब्रेक है रबड़ी वाला। अच्छे से स्वागत करना है इनका। अरे अरे अरे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रबड़ी वाला पे आके रबड़ी तो खाना ही था। लाओ भाई लाओ, टेस्ट करें हम भी। थैंक यू डेविड भाई, कैसी रबड़ी? अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे रबड़ी खाई, रबड़ी वाला पे ज़बरदस्त रबड़ी थी, रिफ्रेश हो गए सारे। देखो कितनी हंसी आ रही है। रबड़ी खाने के बाद मौज में आ गए सारे। अब भाई नेक्स्ट क्या है? अब जो है ना अब महालगांव अब मतलब अब ये नागपुर एंटर करेंगे, नागपुर एंटर करेंगे, वहाँ भी इवेंट है। हाँ थोड़ा वेलकम, वहाँ पे वेलकम है और फिर 0 माइल। ओके सो दो इवेंट बचे अब आज के दिन के और टाइम हो रहा है 3:50, 4 बजे अंधेरा यहाँ पे मेरे हिसाब से 5:30-6 ऐसे कुछ होगा। तो कुछ ऐसे स्वागत हो रहा है महाराष्ट्र में। वाह ये कुछ नया था, मज़ा आया। फूल फेंके जा रहे हैं सबके ऊपर ऊपर से और ड्रोन शॉट भी लिया गया इस चीज़ का शायद। सही है सही है सही है, महाराष्ट्र वालों ने कुछ नया किया। फूल बरसाए हम पे, माला की जगह फूल बरसाए गए ऊपर से। मज़ा आया ना, फूल बरसाए, ये कुछ नया था। हम आए हैं, हम आए हैं। पहुंच गए हम लोग नागपुर सिटी। तो यहाँ पे सुना था एक पुल बन रहा है, तो ये है ऊपर वो पुल और ये है नागपुर सिटी। और यहाँ पे बहुत सारे लोग ना ट्रेडिशनल ड्रेस में ही दिख रहे हैं। तो नागपुर का फेमस फ्लाईओवर जहाँ पे रोड्स भी है और उसके ऊपर ही मेट्रो भी है, सेम फ्लाईओवर पे सेम पिलर। और जो पीछे आपने देखे वो भी फ्लाईओवर्स वैसे ही बन रहे हैं, इस पर रोड भी मतलब बाय फॉर कार्स बाइक सबके लिए भी, और ऊपर मेट्रो, माझी मेट्रो। चले ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। थैंक यू थैंक यू। आइए आइए, सो कुछ ऐसा वेलकम हो रहा है नागपुर मेन सिटी में। तो सारी भीड़ आई हुई, ट्रैफिक था अभी भयंकर यहाँ पे, तो सब अलग अलग ऐसे हो गया है, तो इसीलिए पहले आ गया मैं, फिर बाकी लोग आ रहे हैं, लेकिन सब यहीं पर पहुँचेंगे और यहीं पर होगा स्वागत। हार्ट ऑफ इंडिया, द सेंटर पॉइंट। तो इधर 0 माइलस्टोन और ये बनाया हुआ है सैंड पिलर क्या। हाँ यहाँ पे भी लिखा हुआ है कन्याकुमारी 1600, हैदराबाद 485। सो 0 माइलस्टोन पे हम लोग आए इसीलिए क्योंकि सेंटर ऑफ इंडिया पर तो आना ही था। सो ये है मेन 0 माइलस्टोन का जो सैंडस्टोन बना है, तो बिल्कुल सेंटर है इंडिया का। फोटो के लिए बैठ गए सब। बैठो बैठो बैठो, सारा मसला फोटो का ही है। मेरा फोन कहाँ है? मेरे 0 माइलस्टोन से निकल चुके हैं, अब कहाँ जा रहे हैं हम लोग? राजभवन। सो अब एस्कॉर्ट आई है, उस टाइम एस्कॉर्ट नहीं थी जब ट्रैफिक था। सो ट्रैफिक में हम लोग को थोड़ा सा फंसना पड़ा, कोई बात नहीं, ये भी एक्सपीरियंस होना चाहिए नागपुर आके। एस्कॉर्ट आया तो क्या जबरदस्त आया। अनाउंसमेंट भी हो रही है, सायरन भी बज रहा है, हटला हटला हटला। ये आ गए हम लोग राजभवन ऑफ इंदौर। जय महाराष्ट्र। तो इसको क्या है, टूरिस्ट स्पॉट बना दिया? नहीं नहीं नहीं, तो फिर हेरिटेज बिल्डिंग है। अच्छा, सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल रहते हैं। अच्छा, और कोई नहीं, मतलब ये रेसिडेंट्स जब आएंगे तो यहाँ रहते हैं। हाँ। चलिए, तो ऐसी जगह में लेके आए जहाँ पे राष्ट्रपति और राज्यपाल आते हैं तो रहते हैं। 1890 का बना हुआ है बाय ब्रिटिश। तो दिस इज द हेरिटेज बिल्डिंग, राजभवन। वहाँ पे ग्रुप फोटो लेके सामने, बिल्कुल अच्छी जगह है। हाँ। नागपुर आके ऐसा लग रहा है सही में कि हम रोड ट्रांसपोर्ट एंड रोड मिनिस्टर के स्टेट में। भाई साहब, मतलब कोई सी ऐसी रोड नहीं है जिसके ऊपर ये फ्लाईओवर नहीं है, और हर जगह इतना बढ़िया बना रखा है ना, ये पेंट करके कई जगह कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें लगा रखी है। गजब लग रहा है भाई, गजब। Another event at this complex। यहाँ पे फिर से वेलकम हो रहा है सब लोग का। अरे हम आ रहे हैं। अपनी फैमिली से मिल रहे हैं लोग आपके, जो नागपुर के थे यहाँ पे, उनकी फैमिली आई। एंड सही में बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होगा कि इतने दिनों बाद आज हमारा ये 51वां दिन है, 51st डे। सो और इवेंट तो भाई यहाँ पे तगड़ा रखा है। अभी डांस हुआ है एंड अब योगा परफॉर्मेंसेस बाय दीज चिल्ड्रन। सो एंजॉय दिस। और उनको मैं अनुरोध करूँगी कि आप अपनी प्रस्तुति सादर करें। अच्छा रहा आज का दिन, इवेंट बहुत ही अच्छा रहा जो हमने देखा। फिर बाद में मैं आ गया था क्योंकि मुझे आज अपना टायर चेंज करवाना था बाइक का। सो वो काम हो चुका है, टायर वाला काम। अपोलो का टायर लगवाया, जो टायर लगवाना था वो अवेलेबल नहीं था। बट जहाँ पे हमारा होटल है उसके बाहर ही एक दुकान दिखी थी, मैंने आज करवा लिया भाई टायर चेंज। मतलब जो है भाई तू लगा दे, अभी आगे देख लेंगे जो होता है। सो टायर चेंज हो गया। इवेंट वहाँ पे बहुत अच्छा रहा, सबका वेलकम भी हुआ, सब कुछ वहाँ पे। और जो आपने देखा कि परफॉर्मेंसेस हुई वहाँ पे बच्चों ने जो किया, सो इट हैज़ बीन एन अमेजिंग डे। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि कल हम लोग जाने वाले हैं यहाँ से हैदराबाद, विच इज़ मोर देन 500 किलोमीटर्स। तो कल बहुत ही लंबा दिन होने वाला है और हैदराबाद जाने की भी एक्साइटमेंट है। यहाँ पर डिनर वगैरह भी हो चुका है। दिस इज़ आवर रूम। तो अब 11 साढ़े 11 बज चुके हैं, सोने का टाइम है। आज ना एडिटिंग हो पाई ना कुछ हो पाया, सारा टाइम ऐसे ही निकल गया। सो एंडिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आप लोगों से कल। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।